निफ्टी में एक्सपायरी तक यानी कि परसों तक 8000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल वो दो ट्रेड्स जो पिक किए गए हैं सीधा सौदा की तरफ से। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए वो टॉप 10 स्टॉक्स जो आपके आज के ट्रेडिंग सेशन को सबसे ज्यादा फोकस में रखेंगे। शुरुआत सनफार्मा के साथ। साइबर अटैक की वजह से कंपनी कह रही है कि इनके बिजनेस ऑपरेशन पर थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे, यहाँ पर कुछ मूव्स आ सकते हैं इस खबर के बल पर। जाइडस लाइफ भी, यूएस एफडीए ने अहमदाबाद यूनिट की जांच की, वहां पर 3 आपत्तियां निकल कर आई हैं, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। इसके अलावा लूपिन की जो पीथम पर प्लांट की यूनिट है, वहां पर यूके की रेगुलेटरी एजेंसी ने अपनी पूरी जांच कर ली है, एक इनफैक्ट नॉड मिल चुका है, कोई आपत्तियां सामने निकल कर नहीं आई हैं। अलेम्बिक फार्मा भी आज खबरों में। अलेम्बिक के लिए यूएस एफडीए ने गुजरात की करखाड़ी वाली जो यूनिट है वहां पर जांच की और उसके लिए कोई ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए हैं। मॉर्पेन भी दरअसल मॉर्पेन लैब्स में यूएस एफडीए की जांच हुई है, बद्दी यूनिट को क्लीन चिट मिली है, यह आप ध्यान रखिएगा, तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है दरअसल मॉर्पेन के लिए। अब दूसरी खबरों में क्रॉम्पटन और बटरफ्लाई गांधीमती दोनों ही रेडार पर रखेंगे क्योंकि दोनों एंटिटीज के मर्जर को दरअसल अप्रूवल मिल गया है। 22 शेयर अगर आपके पास क्रॉम्पटन के है तो आपके हाथ लगेंगे फिर बटरफ्लाई के 5 शेयर, तो उस लिहाज से आपके लिए वो मर्जर रेशो आता हुआ दिखाई दे रहा है। BEL के लिए एक डेवलपमेंट है, 4300 करोड़ के ऑर्डर, 3000 करोड़ के ऑर्डर इसमें से ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के हैं, 1300 करोड़ के ऑर्डर इंडियन नेवी के लिए हैं। ये फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए। राइट्स कंपनी की एक जेवी को असम सरकार की तरफ से 122 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है, तो वो भी आज स्टॉक खबरों में है। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज भी आप रेडार पर रखेंगे, भारतीय सेना की तरफ से 127 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, तो ये एक और स्टॉक जो खबरों में। और दसवां जो स्टॉक है आज के लिए वो है SBI कार्ड, जहां पर हमने देखा है लार्जली जो क्रेडिट कार्ड के इश्यूएंसेस हैं वो कम हुए हैं और SBI कार्ड के लिए मंथ ऑन मंथ स्पेंड भी करीब 8% नीचे आता हुआ, और ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस ने भी कहा है कि स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज सबसे ज्यादा फोकस में। हर्षदा शुक्रिया इन तमाम स्टॉक्स पर प्रकाश डालने के लिए और खबरों के बाद प्राइस बिहेवियर क्या है बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हैं इस प्री ओपन की फ्रीज ट्रेजेक्टरी पे, जैसे कि खबरों को देख के आपको कयास लगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।